हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रैक्टर बाजी में। आज हम आपको जॉन डियर का 4x4 5405 दिखाने वाले हैं, और जो सर हमारे साथ हैं उनसे सारी इसकी डिटेल्स लेने वाले हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं और क्या क्या इसमें नई नई चीज़ें दी गई हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे चैनल में एक बार जो किसान भाई सामने देख रहे हैं, सबसे पहले उन्हें अपना और अपनी कंपनी का छोटा सा परिचय करा दीजिए। सत श्री अकाल जी, मैं गालब एग्रो फार्म सोल्यूशन जगराओं तो अज PDF मिले थे इस चैनल के माध्यम से आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कंपनी का एक छोटा सा परिचय कराइए सर। ये साढ़े जी जॉन डियर ट्रैक्टर 5405 जो कि HPCR हाई प्रेशर कॉमन रेल कंपनी का न्यू मॉडल लॉन्च होया है। सर, न्यू मॉडल में क्या क्या फीचर्स नए नए दिए गए हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं? ये देखो जी, एक तो 63 HP का ट्रैक्टर हैगा जी। जी दूसरा जी, इसका जो इंजन हैगा वो HPCR हाई प्रेशर कॉमन रेल। उसका क्या फायदा रहने वाला है सर? उसका फायदा यह रहने वाला जो कि ये पहले वाला इंजन सी माइक्रो पंप दे विच आउंदा सीगा, हुण वाला ट्रैक्टर जिहड़ा जी इहदे विच एक इंजैक्टर सिस्टम लाता है, उहदे नाल डीजल दी खपत घटूगी, प्लस सेंसर हैगा जिहड़ी हवा जां पानी जां डीजल जिन्ना चाहीदा उह सेंसर इहनूं कमांड देऊगा ट्रैक्टर नूं, उह इहनूं यूज होऊगा। और क्या और नए फीचर्स इस ट्रैक्टर के अंदर ऐड किए गए हैं? और इहदे विच इक तां लिफ्ट कैपेसिटी जिहड़ी 2500 kg दी कीती गई आ जी, एक जिहड़ी ट्रैक्टर दी चौड़ाई आ उह थोड़ी जिही वधाई गई आ जी। दूसरे नंबर पर जिवें तेल वाला टैंक हैगा वह वड्डा कीता जी, एक इहदा जिन्ने भी जोड़ हैगे आ उहदे बोल्ट उहनां दा साइज वधाया वा, हैवी ड्यूटी कीता गया जी। बात करें इसके फ्रंट टायर की प्रोफाइलिंग की, वो क्या दी गई है? ये 4-wheel drive ट्रैक्टर है जी, 11 नंबर का टायर मगरला 16-9-30 का टायर है जी। इहदा सर इसमें 2-wheel drive भी अवेलेबल है? हाँ, 2-wheel drive भी मिल जाएगा। उसका क्या साइज रहने वाला है? उसका जी 26 नंबर आना जी। और पिछले टायर की क्या प्रोफाइलिंग की गई है? ये 16-9-30 का टायर है। 16 और इंजन इस ट्रैक्टर के अंदर यूज क्या गया है? 329 cc का इंजन जी, 63 HP के बीच आऊंगा जी। और कितने सिलेंडर? 3 सिलेंडर जी। 3 सिलेंडर? हाँ जी। और किस किस इंप्लीमेंट पे काम करने वाला है, वो कैसा कैसा एवरेज देने वाला है किसान भाई को सर? वो सर एवरेज इस तरह भी जेड़ा भी इंप्लीमेंट के वक्त-वक्त तरह की एवरेज आती है, पर हर एक इंप्लीमेंट से जो भी अज चल रहा जो आने वाले टाइम आऊगा हर एक इंप्लीमेंट चलाऊगा ट्रैक्टर, क्योंकि यदि जी स्पीड हैगी है ABCD गेयर की रेशो ज़्यादा हैगी है। तो क्या क्या एवरेज हर चीज़ पर देने वाला है, बात करें रूटर सब चीज़ पर क्या क्या एवरेज? जे तो हम गल करिए मिनिमम 7 to 7.5 liter डीजल की एवरेज आऊगी, बाकी आप प्रॉपर जो भी काम हैगा काम से डिपेंड है इंप्लीमेंट से आ, किसी वध भी खाएगा पर घट भी खाएगा। बात करें सर इसकी लाइटिंग की, तो लाइटिंग इसमें LED लाइटिंग है? ये सर LED लाइटा न्यू फीचर आया वा, LED लाइट थी आनियाँ सारी LED लाइट में। और बात एक तो आर्मरेस्ट सीट आ रही है जी। अच्छा, आर्मरेस्ट सीट आ रही है, मतलब गाड़ी वाला फीचर इसमें दिया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। एक देखो जी, एक नया फीचर आया जी, ये स्टीयरिंग जोड़ा हैगा टिल्ट स्टीयरिंग आ रहा है जी। अच्छा, टिल्ट स्टीयरिंग आ रहा है। दूसरे नंबर पे इको मोड, इको मोड इसमें सर, जो मोड गाड़ियों में आते हैं वो ट्रैक्टर में? बिल्कुल बिल्कुल। जिवें 63 HP तो आपां स्टैंडर्ड है, इको मोड ते 55 HP का काम करदा है जी। दूसरे नंबर से सारे इधर जो लिफ्ट हैगी आ, लिफ्ट की कपैसिटी 2500 kg की हैगी आ, जो इलैक्ट्रॉनिक बटन हैगे आ इतों उपर थले हो जाता जी। इसके मतलब उपर नीचे कर सकते हो आप? जो डिस्ट्रीब्यूटर हैगे आ वह दो आ जी, हुण नवे इंप्लीमेंट जिवें आए आ हैरो वगैरह जी, और कई इंप्लीमेंट आ जिवें फ्रंट PTO लगाना हो, ये फीचर एक एक्स्ट्रा ये वक्रा लगाया गया। सर मैं देख पा रहा हूँ ये कुछ नया सा दिया गया, इसमें क्या है? ये डीजल टैंक है, इसकी कैपेसिटी जी है 3 लीटर दूजे ट्रैक्टर ना वध है। तो यहाँ पे डीजल टैंक दिया गया है इसका? हाँ, इसी ट्रैक्टर के यहाँ पे नहीं आता, पहला जॉन डियर पे आता है। मतलब अकेले जॉन डियर ने, देख सकते हैं किसान भाइयों, बिल्कुल नए तरीके से टैंक लगाने की कोशिश किया, पीछे की तरफ टैंक दिया है। और सर ऐसा क्या फीचर है, ट्रैक्टर 4x4 भी बहुत है आज के टाइम में, सब कुछ मतलब कैपेबिलिटीज भी बहुत है, तो किसान भाई जॉन डियर के इस ट्रैक्टर को क्यों ले? सर देखो, जो 4-wheel drive का दौर चल रहा है, पहला हर एक तीजा ट्रैक्टर 4-wheel विकता सीगा जी। बिल्कुल। हुण अज दे दौर दे विच जे असी गल अपनी जगराओं मोगा बेल्ट की करते तो हर दूजा ट्रैक्टर 4-wheel drive विक रहा। बिल्कुल जी, क्योंकि देखो ऐतकी जिहड़ा काम हैगा जिवें मक्की का सीजन की गल करते हैं, पिछली वारी बारिश हो गई है तो ट्रैक्टर 2-wheel drive चल नहीं रहा सी अचार पाउण वास्ते, लेकिन हुण जिहड़ा 4-wheel drive ट्रैक्टर तां लोग लै रहे आ ਉਹ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਮੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਵਹਾਂ ਪੇ 2-wheel ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਥਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟਰੈਕਟਰ 4-wheel ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟਦੀ ਆ,
दूसरे नंबर से घट पावर का ट्रैक्टर वध इंप्लीमेंट खिंच लेंदा। दूजे नंबर से यदा यह हैगा भी ये जिहड़ा काम मन के दूजे ट्रैक्टर ने एक घंटे च करना है 45 मिनट च करूगा। मतलब जो ट्रैक्टर नॉर्मल ट्रैक्टर एक घंटे में करेगा 45 मिनट में उसका काम कंप्लीट करके स्लिप च कटदी है। डीजल जिहड़ा हैगा वो बचदा किसान दा, टाइम भी बचदा डीजल भी बचदा, मतलब सब चीज सेव होने वाली है, सेव टायर दी कसाई बचदी है। और बात करें सर इसकी प्राइसिंग, जैसे कि अभी फिलहाल ही में लॉन्च किया है कंपनी, तो प्राइसिंग क्या है? देखो जी एदा 14,85,000 रुपया शोरूम प्राइस है। शोरूम प्राइस सर, अगर कोई किसान भी आपसे ट्रैक्टर खरीदना चाहे, आपकी एजेंसी पर आना चाहे, तो किस जगह सकता है और कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। देखो जी हमारे जो गाल्व्स एग्रो फार्म सोल्यूशन शुगर मिल के कोल जगराओं तो बुगीपुरे चौंक के लागे मोगे अपन डीलरशिप ने, कॉन्टैक्ट नंबर 94644 53304। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किसान भाइयों को जॉन डियर का 4x4 54.05 दिखाया। थैंक यू जी, आप जी का भी धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जल्दी। थैंक यू सो मच, और ऐसी बेहतरीन बेहतरीन वीडियो आपको शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।